शख्स, मेरा नाम उशीना हंस है और मैं हूँ सौरभ टोकर्स। हम दोनों 28 साल के हैं, दिल्ली से हैं और हमारे ब्रांड का नाम है मॉडर्न मिथ, जो हमने 2019 में शुरू किया था। कौन कहता है लड़कियाँ बिजनेस नहीं कर सकती, मैं करती हूँ, and I am a girl boss। कौन कहता है लड़के फ्लैशी बैग्स नहीं कैरी कर सकते, I carry this daily। Oh, wow। कौन कहता है कि गन में सिर्फ बुलेट लोड हो सकती है, सामान भी तो लोड हो सकता है। कौन कहता है लिप्स बस लिपस्टिक लगाने के लिए होता है, लिपस्टिक रखने के लिए भी तो हो सकता है। स्टाइलिश बैग्स बनाने के लिए सिर्फ लेदर यूज करना जरूरी है, क्यों वीगन लेदर भी तो कुछ होता है। इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न मिथ। 2019 में हमने सिर्फ 4 कारीगरों के साथ 30 बैग्स के कैटलॉग से शुरू किया था। आज हम 140 वैरायटीज पे हैं और आप मॉडर्न मिथ बैग्स हमारी वेबसाइट modernmyth.in और मार्केट प्लेसेस से खरीद सकते हैं। शार्क्स, आपकी इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज से हम मॉडर्न मिथ को इंडिया और देश के कोने कोने तक लेके जाना चाहते हैं और अनटैप्ड मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके लिए हम शार्क से 75 लाख फॉर 5% इक्विटी मांग रहे हैं। उशीना, सौरभ, वेलकम टू शार्क टैंक। सो आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं एंड आपने कैसे डिसाइड किया ये बिजनेस को साथ में करने का? सौरभ और मैं एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं, वी बीन डेटिंग, स्कूल से जानते हैं एक दूसरे को। मैं निफ्ट की ग्रेजुएट हूँ। वन डे मैंने उनको बोला कि मुझे अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना है, मुझे थोड़ी हेल्प नीडेड होगी। थोड़ी नहीं, मैंने पूरी हेल्प करी। आई एम फुली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मुझे इनका पोटेंशियल पता है। सौरभ, इनके बिजनेस एक्यूमेंट के लिए आपने इनका साथ दिया? नहीं, इनके डिजाइन एस्थेटिक्स के लिए मैंने इनका साथ दिया। ऑसम। तो आप अभी भी डेट कर रहे हैं कि सौरभ ने प्रपोज किया फाइनली? नहीं, इसने रिंग ही नहीं खरीदी अभी तक। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं। अगर डील होती है तो देखते हैं। अभी तो करना ही पड़ेगा भाई। गुड। प्रोडक्ट्स भी दिखा दीजिए साथ साथ में थोड़ा। मार्केट प्लेसेस पे बिना मार्केटिंग के हमने आज तक टिल डेट 2.5 करोड़ कर लिए। वाओ। एंड लास्ट मंथ कितना किया? 14 लाख। आपका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है? 600 ASP। आप दोनों में से कंपनी का CEO कौन है? ऑब्वियस है सर। Obviously. तो आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? 50-50 सर। 50-50 में कल को लड़ाई हुई या कोई? सर मतलब... यही है सर, इन्हीं को ये जो भी है ये। आप बोल रहे हो लिफ्ट से हो, डिजाइन में एक होती है डिजाइन लैंग्वेज। आप कोई भी ब्रांड उठा लो, लुई वीटन उठा लो, गुची उठा लो, बाहर से कहीं देखेगा उसको पता लग जाएगा कि यार ये इनका इस ब्रांड का है और ये इनका डिजाइन रेंज निकली थी उसका डिजाइन है। ये तो आधा डिजाइन मेरे को जनपद का लग रहा है, आधा रजौरी गार्डन हो गया, थोड़ा सा सरोजनी नगर हो गया, थोड़ा जीके हो गया। आपने 4 पटरी वालों से उठा के सामान लग दिया और बोला कि यार इसको भेज दो ऑनलाइन, या इसमें आपने खुद बैठ के पहले ड्राइंग बनाई और बोला कि नहीं मेरे लिए ये मैन्युफैक्चर करो, कोई सरोजनी नगर वाले पप्पू भैया का स्टॉल लगा दो, नाम लिख दो, तब भी बिक जाएगा। सर, आपको हमारा फैन बैग जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों का मेन USP क्या है? हमारा मेन USP जो आज तक रहा है सर, I would beg to differ, पर डिजाइन रहा है। कॉपी हो सकता है जो। एंड हम एक डिजाइन पे नहीं रहेंगे, हम 100 डिजाइन्स बनाएंगे, हम 1000 बनाएंगे, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा खुद का डिजाइनर। आप मेन डिजाइनर हैं इस फर्म जी, और कोई डिजाइनर्स भी आपने हायर किए हैं अपनी टीम में? जो डिजाइन आपको अच्छा लगता है मार्केट में लॉन्च कर देते हैं जी। बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट है, बहुत ज्यादा, और उसमें डिफरेंशिएशन जैसे आपने कहा डिजाइन ही है, तो अगर आप हर चीज के तरीके का डिजाइन बनाएंगे तो ब्रांड बनाना मुश्किल होता जाएगा। मेरे को गो टू ब्रांड बनाना है, मुझे चाहिए, मैं थोड़ी मिलेनियल मार्केट को फोकस कर रही हूँ, मैं यंग मार्केट को फोकस कर रही हूँ, जिनको एक्सपेरिमेंट करना है अपने लुक के साथ, वो एक ही लुक बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हमारे कस्टमर ऐसे है ही नहीं। तो आप फास्ट फैशन बैग्स ब्रांड बनाना चाहते हैं, आपने इसके ऊपर कुछ काम किया कि ये फास्ट फैशननेस कैसे रिटेन होगी? सर, मेरे को पहले तो एवरी 10 डेज में कोई शौक नहीं है नए डिजाइन लॉन्च करने का, मुझे चाहिए कि पहले तो कुछ रिमेम्बरेबल स्टाइल्स बने। एक होता है कि सर्टेन स्टाइल्स आप सर्टेन ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करेंगे। तो मेरा डिसीजन बन गया है, आपको मैंने 3-4 बार पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, मेरा डिजाइन अच्छा, डिजाइन अच्छा है, डिजाइन कॉपीएबल है, ब्रांड आप अपना बना सकते हो, ब्रांड पे दिमाग लगा लो, वो आपको अभी आपको वो बात क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए फॉर दैट रीजन आई एम आउट। जब आपने शुरू किया ना अपना पिच, तो आपने एक बात कही वीगन,
जी। तो क्या आपकी सारी बैग्स वीगन हैं? जी। सारी बैग्स जी। जी। तो वो डिफरेंशिएटर नहीं हुआ क्या आपका? आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर हम लोग वहाँ तक बस आना चाहते थे पर हमने तीन बार पूछ लिया आपका डिफरेंशिएटर क्या। सारी मास ब्रांड्स आजकल सिंथेटिक लेदर यूज़। फिर भी एक बात तो हुई ना, मुझे लगता है कि आप एक इंटरेस्टिंग बिजनेस में, मार्केट भी जो फास्ट फैशन का है काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी है, आपको अभी तक डिफरेंशिएशन, पोजिशनिंग और स्ट्रैटेजी जो है ना वो समझ में नहीं आ रही। आगे जाके शायद अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन आज मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, तो आई एम आउट, बट आई विश यू बेस्ट। थैंक यू। मैंने भी डिसीजन बना लिया है। मुझे लगता है आपको अपने सप्लाई चेन पे फोकस करना चाहिए कि आप कैसे मार्केट में एट स्केल हाई क्वालिटी बैग्स अफोर्डेबल प्राइस पे जल्दी से जल्दी लॉन्च कर पाए। डिजाइन इज कंटिन्यूअस चाहिए आपको, आज नहीं चाहिए। आज आपका एक डिजाइन हिट हो गया, आगे कैसे हिट होगा वो आपको मशीनरी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी अर्ली है, आपको उस पर काम करना चाहिए। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक, आज मैं आऊंगा। तो अभी तीन शार्क्स आउट हैं। अश्नी आपने डिसीजन बनाया? मेरे को तो डिजाइन ही नहीं समझ आया। दूसरी बात, कल को आप दोनों के बीच में अनबन हो गई तो कंपनी का क्या होगा? सर हम लोग पिछले 15 सालों से एक साथ हैं, ऐसे एक दिन में अनबन नहीं होती है, एंड ऐसा कोई प्लान है भी नहीं अनबन का। तो अनबन का प्लान थोड़ा नहीं, नहीं सर मतलब वो तो अश्नी शादी के बाद भी तो हो जाता है। शादी के बाद नहीं, लेकिन जनरली नहीं होता। देखिए इसको क्या कहते हैं ना, रिलेशनशिप रिस्क है ना, वो इन्वेस्टर नहीं लेना चाहता। दैट्स अ लिटिल सैड टू टॉक अबाउट बिकॉज़ वी हैव अ एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ अस, जो अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रही है, बहुत सक्सेसफुल है। तो आई लुक अप टू हर, वी लुक अप टू हर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट हर ओनली कि अगर ये यहाँ पे बिजनेस ला सकती है तो हम क्यों नहीं ला सकते। गुड आंसर। नहीं नहीं, आप देखो इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है। नहीं नहीं, जब बिजनेस करने बैठते हैं ना जी सर, तो सौदे की बात होती है जी सर। ठीक है, तो जो रिस्क है सब बोलेंगे। वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन सर। लास्ट शॉट। हम ऐसे बैग्स यू नो काफी बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है, ये सारी ये जल्दी रस्ट कर जाता है, ये यू नो चीज़ें ऐसे निकलने लगती हैं, ये वाला जो मटेरियल है इसमें। हम लोग तो बैग फ्री में देते हैं लिपस्टिक के साथ, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 6 महीने, पर आपकी कैटेगरी में ना क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ब्रांड बनानी है। तो मेरा सजेशन भी ये है कि आप डिज़ाइन पर डिपेंड करने की जगह क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट डिज़ाइन लैंग्वेज पे फोकस करेंगे तो इसमें ज़्यादा स्केल होगा। तो अभी मेरे लिए ये फिट नहीं है, तो इसमें मैं नहीं रह पाऊँगी, पर मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत फैबुलस टीम हो। जब आपकी ब्रांड का पुल हो जाए कि कंज्यूमर्स महंगा बैग भी खरीदें आपका एंड नॉट जस्ट डिज़ाइन के लिए आपको पिक करें, तो तब बेटर टाइम होगा आपको फंड रेज करने के लिए, इन माई ओपिनियन। So for now, पांचों sharks out हैं, but best of luck Oshina and Saurav. लेकिन एक बात नहीं छोड़ेंगे यार, proposal तो कर दें। Next year sir, पक्का you'd be invited sir. Thank you. All the best. Okay. Thank you. Best of luck. कमाल है ना, आजकल 10-15 लाख रुपए महीने का धंधा खड़ा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन वो 15 लाख ही ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, एग्जीबिशन वगैरह में ठीक है, बट ये इन्वेस्टेबल अभी सब कमोडिटाइज हो गए, कमोडिटाइज ज्यादा। इसमें डिफरेंशिएट इसमें से कुछ पर हीरोज निकलेंगे जो बड़े ब्रांड्स बना लेंगे 100%, ये गारंटी है।